दोस्तों, अगर आप भी आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आप सोच रहे होंगे कि जो NPCI है उसने सभी बैंकों में एक साथ आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर क्यों नहीं लॉन्च किया। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों NPCI ने एक साथ सभी बैंकों में आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का जो फीचर है उसको क्यों नहीं एनेबल किया, क्यों एक एक करके बैंकों में सभी बैंकों में धीरे धीरे फीचर आ रहा है। तो उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको बता दें, NPCI यह चाह रही है कि जो सभी बैंकों में ये आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर है इसको फेज वाइज प्रोवाइड कराया जाए। जैसे आपको पता ही होगा कि फर्स्ट फेज जो आया था उसमें शुरू में सिर्फ दो बैंकों में ये फीचर आया था, सेंट्रल बैंक कैनरा बैंक में। उसके बाद में सेकंड फेज आया तो उसमें भी सात बैंकों में आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर आया। उसके बाद फिर दो बैंकों में और आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर NPCI ने यहाँ पर जो है लॉन्च किया। सबको जाकर बताएंगे कौन से बैंक हैं और क्यों फिर ये फेज वाइज फीचर NPCI प्रोवाइड करा रही है, सभी बैंकों में एक साथ ही फीचर क्यों नहीं आया। हम आपको बता दें कि अगर NPCI सभी बैंकों में एक साथ जो आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर है उसको चालू कर देती तो क्या होता है कि अगर उसमें कोई बग होता, कोई इश्यू होता, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो क्या होता है उसको NPCI को ठीक करने में थोड़ा मुश्किल होगी। लेकिन अगर ये फेज वाइज फीचर NPCI प्रोवाइड करा रही है तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करने में बहुत ही आसानी होती है। क्या होता है कि मान लीजिए वहाँ पर कोई इशू आता है तो जिन जिन बैंकों में अभी तक आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन का फीचर आया है उनमें क्या करेगी, NPCI उसे सुधार कर लेगी। एक हिसाब से मान लीजिए कि NPCI भी इन बैंकों पर ट्रायल कर रही है। अगर जिस बैंकों में आधार बेस्ड यूपीआई रजिस्ट्रेशन हो रहा है उन बैंकों में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ अच्छा रहा, तो धीरे धीरे सभी बैंकों में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। हम आपको बता दें कि हो सकता है कि ये भी जो महीने के लास्ट तक और 8 से 10 बैंकों में फीचर NPCI को लॉन्च करेगी, क्योंकि जो पहले से बैंकों में यहाँ पर NPCI ने फीचर लॉन्च किया, अगर सब अच्छे रहेंगे तो और बैंकों में आएंगे। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है तो आपको अपना भीम ऐप को अपडेट करके रखना है और आपको चेक करते रहना है कि आपके बैंक में कभी फीचर आ जाता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट अपडेट था बैंकिंग से रिलेटेड। आई होप दोस्तों आपका अब डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बैंकिंग से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।